हेलो व्यूवर्स, माइसेल्फ श्याम और आप देख रहे हैं द न्यूट्रिशन डायरी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं इस चैनल पे डेली सुबह 11 बजे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेके आते रहता हूँ दोस्तों। और अगर आपको जानना है इस वीडियो में मैंने कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन बताए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले, हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे जब जब नए वीडियोज डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, हाउ मच सेकेंड अ ह्यूमन हार्ट टेक टू बीट वंस। ओके, जो ह्यूमन हार्ट होता है बीट करने को कितना सेकेंड्स लेता है। ओके, तो पहला ऑप्शन है ए 0.4 सेकेंड्स, दूसरा ऑप्शन है 0.5 सेकेंड्स, तीसरा ऑप्शन है सी 0.8 सेकेंड, चौथा ऑप्शन है डी 0.1 सेकेंड। ओके, तो दोस्तों हाउ मच सेकेंड ह्यूमन हार्ट टेक्स टू बीट वंस, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों सी 0.8 सेकेंड ह्यूमन हार्ट टू बीट। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हर एक वीडियो में मैं 40 नंबर क्वेश्चन और 50 नंबर जो क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए होमवर्क रखता हूँ, तो इस वीडियो में भी सेम फॉलो होने वाला है। आप लोगों के लिए 40 नंबर का क्वेश्चन और 50 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, अब बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चंस क्या है हमारा दोस्तों, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 12 इज। ओके, विटामिन बी 12 का केमिकल नेम क्या है दोस्तों। ओके, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए साइनोकोबाल अमाइन, दूसरा ऑप्शन है बी एस्कॉर्बिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है सी थायामिन, चौथा ऑप्शन है डी टोकोफेरोल। ओके, तो दोस्तों जो विटामिन बी 12 का केमिकल नेम है वो है साइनोकोबाल अमाइन। ओके, याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली बी और सी आपको पता होगा कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो बी के विटामिन्स के बहुत वेरियस टाइप है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, फिर B12, तो यहाँ पे सबके केमिकल्स नेम होते, तो इस क्वेश्चन में B12 का नाम पूछा है, तो हमारा सही जवाब है ए। अब बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तीसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज फॉल्स। तो पहला ऑप्शन है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है उबेर कप बैडमिंटन, तीसरा ऑप्शन है रंगा स्वामी कप हॉकी, और चौथा ऑप्शन है डी नेहरू ट्रॉफी क्रिकेट। तो दोस्तों ये फॉल्स, मतलब इसमें से एक आंसर आपका सही और बाकी मीन्स एक गलत है और बाकी तीन सही है। तो यहाँ पे से दोस्तों जो भी, अब हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर क्या है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज द फॉल, जो भी है यहाँ पे आप ऑप्शंस देख रहे हो, तो हमारा सही जवाब होगा डी नेहरू ट्रॉफी क्रिकेट। ओके, बाकी जो भी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, उबर कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, रंगा स्वामी कप हॉकी से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे फॉल्स पूछा था, तो दोस्तों हमारा सही आंसर है डी। अब बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वन ड्रॉप ऑफ ब्लड कंटेन नंबर ऑफ सेल्स। तो पहला ऑप्शन है 8 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 5 मिलियन, तीसरा ऑप्शन है 10 मिलियन, और चौथा ऑप्शन है 2 मिलियन। तो दोस्तों वन ड्रॉप ऑफ ब्लड कंटेन नंबर ऑफ सेल इज, हमारा सही जवाब होगा बी 5 मिलियन दोस्तों। ओके, अब बढ़ेंगे पांचवे क्वेश्चंस की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चंस क्या है हम लोग देखेंगे दोस्तों। पांचवा क्वेश्चंस क्या है, द टर्म डबल फॉल्ट इज रिलेटेड विथ। ओके, तो पहला ऑप्शन है ए ब्रिज, दूसरा ऑप्शन है गोल्फ, तीसरा ऑप्शन है सी क्रिकेट, चौथा ऑप्शन है डी लॉन टेनिस। तो दोस्तों जो द टर्म डबल फॉल्ट इज रिलेटेड विथ, सही आंसर होगा लॉन टेनिस मीन्स डी। ओके, अब बढ़ेंगे छठे नंबर क्वेश्चंस की तरफ। छठा नंबर क्या है दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे अभी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो पहला ऑप्शन है ए एड्स, दूसरा ऑप्शन है बी डायफेथेरिया, तीसरा ऑप्शन है सी टीबी, चौथा ऑप्शन है डी हुक ओम। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए एड्स। ओके,
अब बढ़ेंगे सातवें क्वेश्चंस की तरफ। सातवां क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेंगे हम लोग दोस्तों। सातवां क्वेश्चंस क्या है? सातवां क्वेश्चंस है, इन नॉर्मल एयर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 20% होता है, 21% होता है, 22% होता है या 25% होता है। तो दोस्तों जो हमारा आंसर होगा, इन नॉर्मल एयर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 21%। तो हमारा सही जवाब है बी। ओके, अब बढ़ेंगे आठवें क्वेश्चंस की तरफ। आठवां क्वेश्चंस क्या है दोस्तों हमारा? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इन बॉडी एट। तो पहला ऑप्शन है 10.4 किलो कैलरीज, दूसरा ऑप्शन है बी 6.8 किलो कैलरीज, तीसरा ऑप्शन है सी 4.2 किलो कैलरी, चौथा ऑप्शन है डी 2.6 किलो कैलरी। तो दोस्तों जो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारा सही जवाब है 4.2 किलो कैलरी, मीन्स सी ऑप्शन सही है हमारा। अब बढ़ेंगे, अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते अगर आपको आंसर आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग साथ साथ में कमेंट भी करते जाइए, तो उससे आप मुझे पता चलेगा आपको ये क्वेश्चंस इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए और नए नए क्वेश्चंस ला सकता हूँ। ओके, अब बढ़ेंगे नौवे क्वेश्चंस की तरफ। तो नौवा क्वेश्चंस क्या है हमारा दोस्तों? द कंट्री विच विन फुटबॉल वर्ल्ड कप द मैक्सिमम टाइम्स। तो पहला ऑप्शन है ए अर्जेंटीना, दूसरा ऑप्शन है बी इटली, तीसरा ऑप्शन है सी ब्राजील, चौथा ऑप्शन है डी जर्मनी। तो दोस्तों जो मैक्सिमम वर्ल्ड कप टाइम जो जीती है वो कंट्री है दोस्तों ब्राजील, मीन्स हमारा सही जवाब है सी। ओके, अब बढ़ेंगे दसवें को नंबर क्वेश्चंस की तरफ। दसवां नंबर क्वेश्चंस क्या है दोस्तों? द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड इन रेसलिंग वॉज गिवेन टू। पहला ऑप्शन है बाल भगवत, दूसरा ऑप्शन है बी उदयचंद, तीसरा ऑप्शन है के एन सिंह और चौथा ऑप्शन है डी सतपाल। तो दोस्तों द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड इन रेसलिंग वॉज गिवेन बाय टू सतपाल। तो हमारा सही जवाब होगा डी। ओके, अब 11वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चंस क्या है दोस्तों? इन हेल्थ एजुकेशंस द बेसिक प्रिंसिपल इज टू स्टार्ट फ्रॉम। तो पहला ऑप्शन है एंशियंट टू मॉडर्न, दूसरा ऑप्शन है अर्लियर टू द रिसेंट, तीसरा ऑप्शन है वॉलेंटियर टू इनवॉलेंट्री और चौथा ऑप्शन है नोन टू अननोन। तो दोस्तों इन हेल्थ एजुकेशंस द बेसिक प्रिंसिपल इज स्टार्ट फ्रॉम नोन टू अननोन। तो हमारा सही जवाब होगा डी दोस्तों। अब बढ़ेंगे 12वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चंस क्या है दोस्तों? वन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटअप्स इज। तो पहला ऑप्शन है टू डेवलप स्ट्रेंथ इन एब्डोमिनल मसल्स, दूसरा ऑप्शन है बी टू गिव प्रॉपर शेप इन एब्डोमिनल एरिया, चौथा ऑप्शन है सॉरी तीसरा ऑप्शन है टू रिड्यूस फैट और चौथा ऑप्शन है डी टू रिड्यूस वेट। तो दोस्तों वन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटअप्स इज जो हमारा सही आंसर होगा टू डेवलप स्ट्रेंथ इन एब्डोमिनल मसल्स, सही आंसर है ए। ओके, अब बढ़ेंगे दोस्तों 13वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 13वां नंबर क्वेश्चंस क्या है यहां पे देख सकते हैं? 13वां नंबर क्वेश्चंस, द गेम्स वेयर ऑर्गेनाइज इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड अपोलो इन एंशियंट टाइम। तो पहला ऑप्शन है ए नमीन गेम्स, दूसरा ऑप्शन है बी स्टामाइन गेम्स, तीसरा ऑप्शन है सी पाइथेन गेम्स, चौथा ऑप्शन है डी मॉडर्न ओलंपिक। तो दोस्तों क्या है? द गेम्स वेयर ऑर्गेनाइज इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड अपोलो इन एंशियंट टाइम। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों सी पाइंथियन गेम। ओके, जैसा कि अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चंस और 50 नंबर क्वेश्चंस में आपको हर एक फिजिकल एजुकेशन टेस्ट सीरीज में आपको होमवर्क देता है। ये क्वेश्चंस आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो 40 नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे? स्ट्रैटेजी डबल नेल्सन इज रिलेटेड टू द गेम। पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा ऑप्शन है बी एथलेटिक्स, तीसरा ऑप्शन है सी रेसलिंग, चौथा ऑप्शन है डी क्रिकेट। ओके, यह क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द लॉ ऑफ लर्निंग वॉज गिवेन बाय। पहला ऑप्शन है चार्लेस बचर, दूसरा ऑप्शन है बी ई एल टॉर्निक, तीसरा ऑप्शन है सी मॉरिसन, चौथा ऑप्शन है डी हर्बर्ट स्पेंसर। ओके,
40 नंबर क्वेश्चन और 50 नंबर का क्वेश्चन आपको देना है दोस्तों। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको और कौन से टाइप के या आपको और सारे क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेके आऊँगा। ओके, और वादा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगने के बाद हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।